The Alexander von Humboldt describes for the first time. This question asked in the IIPMT in 2017 और इसमें पूछा है कि Alexander von Humboldt जो है या A.V. Humboldt जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले किसको डिस्क्राइब किया. तो A.V. Humboldt जो साइंटिस्ट थे इन्होंने डिस्क्राइब किया स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को. और इन्होंने क्या बताया कि स्पीशीज और एरिया के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है, इसके लिए इन्होंने दोनों के बीच में एक ग्राफ बनाया. और इस ग्राफ में इन्होंने किस किस को रखा, इस ग्राफ में इन्होंने रखा नंबर ऑफ स्पीशीज़ को और एरिया को. और इन्होंने देखा कि जो स्पीशीज़ का नंबर है वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक एरिया पर. सो देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा. फर्स्ट है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, ये रॉन्ग है. सेकेंड है लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ये भी इन्होंने नहीं दिया. थर्ड है स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा. फोर्थ है पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन, ये भी A.V. Humboldt ने नहीं दिया.